Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, ये टेस्ट किस लिए हम यूज करते हैं, इसका क्या मकसद है? मकसद इसका यह है कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक किया जाता है कि एक बंदा कितनी कॉग्निटिवली एक्टिव है, कितनी कॉग्निटिवली परफॉर्म कर सकता है डिफरेंट टास्क। वो टास्क जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें मुख्तलिफ आपकी कॉग्निशन को चेक किया जाता है, मतलब आपकी हायर मेंटल प्रोसेस को चेक किया जाता है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को चेक किया जाता है कि आप किस तरह वर्ड्स को रिकॉल करते हैं और किस तरह आप कमांड को अगला जो आपको कमांड लेता है तो क्या आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज इतनी है कि उस कमांड को आप परसीव करें और उस पर इम्प्लीमेंट करें। तो इस चीज ये मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का मेन जो कोर पॉइंट और मेन जो कोर फोकस है वो इंडिविजुअल के कॉग्निटिव एबिलिटीज को जानने पर होता है। अब फर्दर हम इसके आते हैं क्वेश्चंस पर कि इनके क्वेश्चंस को किस तरह इन्होंने डिवाइड किए हैं और किस तरह हमने इसको समझना है। अब सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन में फर्दर इन क्वेश्चंस को डिवाइड किया है दो हिस्सों में, हर हिस्से के 5 क्वेश्चन है। पहले के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम उससे पूछेंगे कि आज अभी टाइम क्या हो रहा है, ये कौन सा तारीख है, आज डेट क्या है, कौन सा दिन है हफ्ते का, और कौन सा महीना है, और कौन सा साल है। ये 5 क्वेश्चन अगर वो ठीक बता देता है तो इसका मतलब है कि उसके 5 स्कोर उसने किए, 5 पॉइंट उसके हो गए। फिर दूसरे पार्ट पे आते हैं इसी ओरिएंटेशन का, जिसमें हमने उससे पूछना होता है कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं, मतलब अगर हम हॉस्पिटल में हैं तो कौन सा फ्लोर है, किस फ्लोर पर हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर हम कहते हैं कि ये इस जगह का क्या नाम है, तो यानी टाउन होता है, कोई जगह होगा, वो तीसरा क्वेश्चन हो गया। फिर हम उससे कहते हैं कि ये कौन सी सिटी है, तो चौथा हो गया। फिर हम सब पूछते हैं कि ये कौन सा मुल्क है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। और अगर उसने 5 के 5 टिक जवाब दिए, इसका मतलब है कि उसने 5 स्कोर कर दिए। लेकिन अगर इसमें से इनमें से कोई भी क्वेश्चन का वो गलत सवाल का जवाब देता है, अगर एक वो गलत देता है, तो इट मीन्स आपने 4 स्कोर पॉइंट करने हैं 5 के बजाय। टोटल इसके दोनों हिस्सों के 5-5 मार्क्स हैं, और ओरिएंटेशन टोटली 10 मार्क्स हैं। इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं कि कौन सा दिन और टाइम है, और फिर हम उससे पूछे हम कहां पर, ये 2 और डिवीजन आ गए। फर्दर हम आते हैं दूसरे नंबर पर, यानी रजिस्ट्रेशन पर। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपने जो है वो उसको बताना होता है कि मैं आपको 3 कुछ ऐसे अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के नाम बताऊंगा जिसको आपने मेरे पीछे रिपीट करना है, और रिपीट करना लाजमी होता है क्योंकि आपने कुछ बात उससे पूछना होगा, यही 3 लफ्ज, और आपने इसको बताना है कि मैं जो वर्ड्स बता रहा हूँ ये आपने रिमेम्बर रखना है, अपने पास याद रखना है, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद आपसे ये पूछूंगा, और इसके 3 पॉइंट्स आपने देने हैं इसको जब वो रिपीट करेगा, और रिपीट लाजमी आपने इससे करवाने हैं, और 3 मार्क्स ये लगने हैं, ठीक है। फर्दर हमारे पास जो आता है कैलकुलेशन एंड अटेंशन, या अटेंशन एंड कैलकुलेशन के लिए। इसमें क्या करना होता है कि आपने उसको 5 बार उसको कहना होता है कि आपने 100 से 7 को माइनस करके पीछे की पीछे तरफ जाना है। मतलब ये हुआ कि आप एक दफा जब 7 माइनस करोगे तो 100 से तो 93 आएगा, फिर जब 7 दोबारा माइनस करोगे तो 86 आएगा, फिर 79, फिर 72 और 65। ये 5 दफा उसको कहना है कि आपने माइनस करना है। अगर उसने बिल्कुल सही तरह माइनस किया, मतलब सही तरह सब्सट्रैक्शन की, तो इट मींस कि उसने 5 स्कोर इसके इस क्वेश्चन के 5 मार्क्स से, तो 5 स्कोर उसने कर लिए। लेकिन कभी कहीं भी उसने एक गलत किया तो इट मींस आपने उसके एक स्कोर कम करना है जो कि 4 है। अगर वो ये मैथमेटिकल या कैलकुलेशन का काम नहीं कर सकता तो उस वक्त आपने उसको कहना है कि आप जो है मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा जो कि वर्ल्ड होगा, दुनिया, उस वो वर्ड आपने उसको बताना है वर्ल्ड, और उसको कहना है कि इसको उल्टा आपने प्रोनाउंस करना है, जो कि उल्टा प्रोनाउंस किस तरह होगा कि डिलोरो वो प्रोनाउंस होगा जब हम उल्टा लिखते हैं वर्ड के वर्ड को। अब इसमें क्या होगा, अगर उसने बिल्कुल करेक्टली उसको स्पेल बैकवर्ड किया तो 5 स्कोर उसने किए, 5 मार्क्स उसने दिए। लेकिन कई बार भी उसने एक वर्ड उधर उधर बीच में स्किप किया या गलत लगा दिया, तो इट मीन्स आपने उसके 2 मार्क्स, मतलब वो वर्ड तक होगा कि एक वर्ड उसने गलत लगाया। ऑब्वियसली वर्ड में तो जब एक मिसप्लेस हो जाए वर्ड तो दोनों मिसप्लेस एक तरह हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपने 2 मार्क्स ही काटने होते हैं। तो ये हो गया। अब फर्दर आप आते हैं रिकॉल। रिकॉल में क्या होता है कि आपने उसको बोलना होता है कि जो वर्ड मैं पहले बताया था मैंने कि मैं पूछूंगा बाद में जाके, वो दोबारा जरा मुझे बताओ। वो रिकॉल में अगर उसने सही बताए, 3 के 3 सही बताए, तो इट मीन्स उसने 3 मार्क्स स्कोर किए। लेकिन गलत बताए, एक भी गलत बताए, तो 2 मार्क्स स्कोर किए। फर्दर हम आते हैं अपने
उस पे लैंग्वेज एंड प्रैक्सिस। लैंग्वेज एंड प्रैक्सिस में फर्दर इसके नो सब क्वेश्चन है, मतलब इसके आगे फर्दर नो क्वेश्चन है। अब हर क्वेश्चन नो क्वेश्चन नहीं है, सिक्स क्वेश्चन है जिनके नो मार्क्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है नेमिंग, इसके दो मार्क्स होते हैं। अब दो मार्क्स क्यों होते हैं, क्योंकि हमने इसको अपने दो ऑब्जेक्ट्स बताने, एक हमारे हाथ में जो घड़ी होगी हमने उसको बताना है और एक हमारे हाथ में जो पेंसिल होगा, दो चीजें हो गई। हम उसको कहेंगे कि इसके इसके क्या नाम है, वो अगर सही नाम बताता है कि ये घड़ी है और ये पेंसिल है तो इट मीन्स उसने दो स्कोर किए। फर्दर हम उससे पूछेंगे कि आप बताओ कि रिपीटिशन उससे करवाएंगे, मतलब आप कुछ वर्ड्स बोलोगे उसके एक मार्क्स लगेगा, वो सारे वो आपके पीछे रिपीट करेगा और उसका एक मार्क्स लगेगा। वो रिपीट वर्ड्स ये होंगे एंड इफ्स एंड्स और बट्स, सॉरी नो इफ्स होगा, नो इफ्स होगा, एंड्स होगा और बट्स होगा। ये वर्ड को आपने उससे रिपीट करवाना है, ये होगा रिपीटिशन हो गया। अब फर्दर हम आगे जाते हैं, उसको आपने बोलना है कि स्टेज कमांड देने। अब स्टेज कमांड में क्या होता है कि आपने उसको एक उसके हाथ पे एक राइट हैंड में जो है उसको पेपर देना है ब्लैंक। अब वो जब वो पेपर लेता है तो वो एक कमांड एक तो आप आपको उसने एक कमांड फॉलो किया, मतलब एक मार्क हो गया। दूसरा आप उसको बोलो कि इसको हाफ में फोल्ड करो, उसने हाफ में फोल्ड किया, दूसरा कमांड हो गया। तीसरा आप उसको बोलते हो कि इसी पेपर को आप जमीन पे रखो, ये तीसरा कमांड हो गया। अब अगर ये तीनों वो सही तरह फॉलो करता है तो इट मीन्स कि उसने तीन स्कोर कर लिए, तीन मार्क्स कर लिए, ठीक है। अब फर्दर हम आगे जाते हैं, फर्दर आपका आता है रीडिंग। रीडिंग में आप उसको कहते हो, आप एक ब्लैंक पेपर पे उसको एक सेंटेंस प्रिंट करके दे देते हो जिसपे लिखा होता है क्लोज योर आईज। आपने उसको कहना है कि आप इसको पढ़ो, क्लोज योर आई को पढ़ो और ये जो कह रहा है ये सेंटेंस जो आपको कह रहा है और वही करो, क्योंकि उसने वही करना है। यानी क्लोज योर आईज मीन्स कि उसने अपनी आंखें बंद करनी है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेमोरी नहीं चेक करनी, हमने उसको ये भी बताना है कि ये जो कह रहा है ये सेंटेंस इस पर इम्प्लीमेंट भी करना है और वो जो है आपको कर दिया। फिर आप उसको राइटिंग का वो देते हो, राइटिंग में आपने उसको ये बताना होता है कि वो आपके लिए कुछ एक सेंटेंस लिख ले। वो सेंटेंस आपने खुद नहीं बताना है, डिक्टेट नहीं करना कि आपने ऐसे ऐसे लिखना है, उसको बोलो कि कोई भी स्पॉन्टेनियस सेंटेंस लिख दो जो आपके दिल में आता है, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होना चाहिए, बेशक वो ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो। फर्दर हमारे पास जो लास्ट वो आता है आपने कॉपिंग। कॉपिंग मीन्स कि आपने उसको पेंटागॉन की एक फिगर बतानी है जिसमें उसको बोलना है कि इसको कॉपी करो, मतलब ड्राई करो, ड्रा करो, ड्रा करो। ड्रा मीन्स कि आप उसके तमाम एंगल्स, जितना पेंटागॉन जिस तरह आपने दिखाया होगा उसके तमाम एंगल्स प्रेजेंट होने चाहिए और दो एंगल जो आपस में इंटरसेक्ट लाजमी करने चाहिए, मतलब एक दूसरे के इंटरसेक्शन होना चाहिए उसके, यानी एक पास हो रहे हो दो एंगल आपस में। अब फर्दर हम इसके इंटरप्रिटेशन पे आते हैं कि जिस बंदे ने जो स्कोर किया होता है तो उसका क्या होगा। अब स्कोर्स के मुताबिक अगर हम आ जाए कि सिंगल कट ऑफ मीन्स के कॉग्निटिव मेन जो कॉग्निटिव हम देखते हैं अगर उसका 24 से लेस होगा तो इट मीन्स कि वो बंदा एबनॉर्मल कंडीशन कैटेगरी में आता है। अगर हम डायमेंशिया की रेंज की बात करें तो अगर उसका जो होगा 21 से लेस होगा तो इट मीन्स के उसमें डायमेंशिया के ओट्स के चांसेस, यानी डायमेंशिया के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर वो ग्रेटर देन 25 उसका स्कोर आता है, इन तमाम क्वेश्चन के स्कोर मैंने बताया ना साथ कि आपने क्या क्या स्कोर लगाने और फिर इसको नीचे आपने कैलकुलेट करना है, टोटल इसके 30 स्कोर है और कितने उस बंदे ने लिए होंगे वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसने कितने जो है वो ठीक बोले हैं। अब अगर उसके स्कोर 25 से जो है वो ग्रेटर होंगे तो ऑब्वियस उसमें डायमेंशिया के चांसेस मतलब कम है। एजुकेशन सेटिंग में अगर बात करें, अगर उसके स्कोर 21 आता है तो इट मीन्स कि उसकी वो 8 ग्रेड यानी 8 क्लास के एजुकेशन के लिए एबनॉर्मल है, अहल नहीं है। अगर उसका स्कोर 23 से लेस आता है तो इट मीन्स कि वो हाई स्कूल एजुकेशन के लिए जो है वो मतलब अहल नहीं है, कैपेबल नहीं है। अगर उसका स्कोर 24 से लेस आता है तो इट मीन्स कि वो कॉलेज एजुकेशन के लिए अहल नहीं है और हाई स्कूल तक ही उसका काम चल जाएगा, उससे आगे नहीं चलता। फर्दर अगर हम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की बात करें, उसकी स्वेरिटी की बात करें, कितना स्वेयर होता है, तो जिस बंदे का 24 से 30 के दरमियान स्कोर होगा तो वो उसका कोई कॉग्निटिवली मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस बंदे का 18 से 23 तक होगा तो उसको माइल्ड दरमियाना किस्म के कॉग्निटिव मसाइल का सामना है, और जिस बंदे का 0 टू 17 तक होगा तो वो एबनॉर्मल है, मीन्स के एबनॉर्मल कह लें या मतलब उसको सीवियर किस्म के कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का सामना करना पड़ रहा है और करेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।